guys, welcome to my channel. If you're new here, my name is Namita Bharali. So guys, today I'm in Kolava Market. मेरे बिल्कुल पीछे Kolava Market है. But यहाँ पे ना बारिश शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, तो मैं थोड़ा टाइम शेड के नीचे वेट कर रही हूँ. और जैसे वैसे उतना ज़्यादा बारिश है नहीं अभी, थोड़ा थोड़ा चल रहा है. और जैसे थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं मार्केट में एंटर करूँगी. मेरा बिल्कुल पीछे ही है Kolava Market से. दिस इज़ द लैंड. ये बहुत दूर तक है. मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट करके देन फिर मैं आगे जाऊँगी. एनी वेज, अभी मैं एक अंकल के नारियल वाला अंकल है वो नारियल बेच के उनके शेड के नीचे मैं खड़ी हूँ बिकॉज बारिश हो रहा है. तो इसीलिए सो आई एम स्टिल वेटिंग हेयर बिकॉज बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गया. और जैसे बारिश रुकता है मैं मार्केट के अंदर एंटर करूँगी और आपको सब कुछ डिटेल्स में दिखाऊँगी. सो गाइज, जैसे ही मैंने मार्केट में एंटर किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में मुझे ये ज्वेलरी शॉप मिला. इस ज्वेलरी शॉप में इंडियन एंड वेस्टर्न बोथ ज्वेलरी आपको मिल जाएगा. इंडियन में इंडियन जो इयररिंग्स है झुमके, और फिर हुप्स इयररिंग, देन फिर चेन पतला टू लेयर वाला चेन मिल जाएगा, एंड देन नेकलेस मिल जाएगा, एंड देन हैवी आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल जाएगा जैसे गले का नेकलेसेस वगैरह. Then I got this another jewelry shop. Mostly they have Indian earring like झुमके and oxidized झुमके, सब बहुत beautiful था. इसका जो price range था 280 से लेके 350, you know, 300 ऐसे रेंज में था. आप कितने में दोगे? आपका नहीं, मेरा नहीं. जीपे का 200 मैंने. एंड थोड़ा आगे जाके मुझे ये कपड़े का जो शॉप मिला, यहाँ पे अच्छे अच्छे टॉप्स और जैकेट, शर्ट, डेनिम जैकेट, डेनिम का ड्रेस, और यू नो डेनिम डंगरी, ये सब था. और डेनिम का जो जैकेट वगैरह था उसका प्राइस था 500, वो फिक्स प्राइस था, भैया कुछ भी कम नहीं कर रहे थे. एंड देन फिर इस भैया के पास बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल कवर थे. मैं लेने वाली थी वाइट वाला, बट फिर ना मैं जब मोबाइल में लगा के देखा तो मुझे उतना खास नहीं लगा एंड मैंने फिर नहीं लिया. एंड इस शॉप में आपको स्मार्ट वॉच के स्ट्रैप भी मिल जाएगा, गोल्ड में, सिल्वर में, एंड देन लेदर टाइप में जो होता है. बहुत टाइप की वेराइटीज़ है इनके पास. और इसका प्राइस आई गेस 300 एंड 350 से स्टार्टिंग था. तो ये शॉप में आपको कस्टमाइज लॉगिन मिल जाएगा, आपका नाम का या कुछ भी आपको लिखना है. मैं अपने नाम का ले लूँ, मैंने पहले भी लिया था, वो बहुत ही लिया बहुत दिन वो लास्टिंग कर रहा है. तो मैंने अभी नाम लिख रहा है ना अपने. एक्चुअली Kolava Market में ना हर 2 मिनट में आपको ज्वेलरी का शॉप मिल जाएगा. और ये मुझे और एक मिला जिसमें वेस्टर्न चेन और इंडियन झुमके वगैरह बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था. एज यू कैन सी गाइस, बहुत कलरफुल एंड अच्छे अच्छे झुमके मुझे दिखे इस शॉप में. ये सब बटवा है, शादी वगैरह में हम लोग सप्लाई करते हैं. दीज आर ऑल बैंगल्स. किसी को चाय कॉफी पीना है तो यहाँ पे ले. एक टॉप एक ले सकते हैं.
Guys, wait, I'm going to show you this black bag. I really like this bag, but I don't know why I didn't purchase. Bhaiya said ki iska jo price hai 950 and then he said ki chalo I'll give you in 750, right? But I got very confused. मैं हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी मैं ब्लॉगिंग के लिए जाती हूँ मैं कन्फ्यूज रहती हूँ, मैं सामान वो सामान नहीं लेती हूँ, देन फिर दोबारा जाती हूँ उस सामान को लाने के लिए. ये मेरे साथ हमेशा होते हैं. एनी वेज, फिर दोबारा ये और एक बैग का शॉप मिला, दिस वन ऑल्सो, दिस ब्लैक वन अभी मैं दिखा रही हूँ. हाँ, ये वाला भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट सेम बैग मेरे पास ना बेज कलर में है, तो मैंने तो ऑब्वियसली नहीं लेना था मुझे वो, बट अच्छा क्वालिटी का और अच्छा बैग था वो सब. ये शॉप है होम डेकोर के लिए, एंटीक पीस यहाँ पे अवेलेबल था, बहुत टाइप का एंटीक पीस था, बट मैंने प्राइस नहीं पूछा बिकॉज मुझे लेना नहीं था, जस्ट आपको दिखाना था, बट पता नहीं मुझे शायद प्राइस पूछ लेना चाहिए था, बट हाँ अच्छा एंटीक पीसेस था और होम डेकोर के लिए मतलब अच्छा हैवी पीस था ये सब, ऐसा हल्का नहीं था, बहुत हैवी था. टाइम लगेगा, एक दिन नहीं होगा, बाहर से इधर पकड़ दबा घुमा, प्रेस करके दबा घुमा. And I find this jeans shop and they have very good jeans. I mean like flare jeans, which is very trending these days, and you know, loose fit jeans and color variety also bahut sara tha unke paas. And price range they said 1200 aur maine nahi liya because yesterday I got these jeans which is I'm wearing right now. And these jeans I got from Zara. In case if you liked or you want to buy, so you have to visit Zara. एंड ये जो बॉक्स टाइप का जो बैग है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था. इसका प्राइस वो लोग बोल रहे थे 700-800 अप्रॉक्सीमेट. सो इस टाइप का जो बैग है ना ऑलमोस्ट थोड़े दूर दूर में ही मतलब आपको दिखने को मिल ही जाएगा कोलाबा में. इसका प्राइस 150. कितना लास्ट 150 करोगे? बारिश हो रहा था,
This market is really big. I hope you can hear my voice because it's very crowded. और जहाँ पे भी जा रही हूँ मतलब इतने सारे लोगों का क्राउड है तो ये बहुत बड़ा मार्केट है. लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. मैंने उतना कुछ भी नहीं लिया, एक गॉगल लिया और एक नेम कस्टमाइज जो नेकलेस है मेरे नेम का, मैंने एक नेकलेस बनवाने लिया तो मैं वो लूँगी. ज़्यादा कुछ लूँगी नहीं, सॉरी मैं मास्क बहुत ज़्यादा नहीं पहन रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती बीच बीच में कि कोविड भी है, बट आई शुड वेयर मास्क. कितने का ये? आपका ये स्ट्रीट का क्या नाम है, मतलब ये जगह क्या है? राजश्री ब्रोस के नीचे. ये देखिए मैडम, थैंक यू. 200 का है. ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू. ओके मैडम, बाय बाय. Now guys, tell me honestly how I'm looking. I'm looking good, right? It looks so good on me, isn't it? But guys, I felt so bad because मैंने ये bucket hat नहीं लिया. मैं घर आके बार बार ये वीडियो में जब जब देखा मैंने, मुझे लगा यार मैंने क्यों नहीं लिया, only 200 में था और मैंने ये नहीं लिया. घर आ गई, फिर जब से मैं घर पे आई हूँ और जैसे मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगी हूँ ना, हर जगह मुझे बकेट हैट ही दिख रहा है और मैं बहुत जल्दी लूँगी. मैं कहीं से भी मुझे चाहिए एक बकेट हैट, अभी तो मैं ऑब्सेस हो गई हूँ. अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे जीन्स का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई है. बांद्रा स्ट्रीट मार्केट में उतना ज़्यादा 500 में बहुत अच्छा अच्छा जीन्स मिल जाता, बट यहाँ पे 1000, 1200, 700 जीन्स का प्राइस है. बट your wish, if you want to buy from here then you can buy, yeah, otherwise agar aap linking road ke aas paas ho ya phir you know bandra mein to aap udhar se le sakte ho, so just my suggestion. Thanks. Main yahan se return ja rahi hu, back ja rahi hu because front mein aur bhi bahut lamba, it's a huge market, agar cover karna hai na to bahut time chahiye aur almost same cheez hai har shop mein, matlab you know, to main sochi udhar aur nahi jao, piche jo dikhaya almost same cheez aage bhi hai. मैं फिर रिटर्न जा रही हूँ इस साइड, मतलब पीछे. सो आई एम इन मैकडी राइट नाउ बिकॉज आई एम फीलिंग रियली वेरी हंग्री, सो आई हैव समथिंग एंड देन पता नहीं देखती हूँ क्या करती हूँ. आई थिंक घर जाऊँगी, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया. मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया, एक गॉगल लिया और एक नेकलेस जैसे कि मैंने आपको बताया.
सो गाइस अभी मैं मैगजी से निकल रही हूँ, निकल के देन फिर मैंने जो चेन बनवाने दिया था तो उसको पिक करूँगी, देन फिर घर चली जाऊँगी। तो पहले तो मैं आपको चेन दिखाती हूँ कि वो कैसा बनाया है। होपफुली अच्छा ही बनाया होगा, लास्ट टाइम भी जो मैंने लिया था वो अच्छा था। सो या, और बाहर अंधेरा हो गया है, आपको दिखाती हूँ। I got my chain, मैं भी ये पहनूंगी, then फिर देखिए। So yeah, I got my chain, but बहुत अच्छा बना, ठीक है, thank you. So मुझे necklace मिल गया, नमिता, सही है नमिता, और अच्छा बना। So guys, that's it for today's video. Please do subscribe to my channel and hit the notification bell icon ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। And see you in my next video. Bye.